मैंने कहा था ये मेरा प्यार है लेकिन औकात से बाहर है, क्योंकि वो मुझे लग नहीं पाता, लगता नहीं था कि मैं रेवो ले पाऊंगा। पर ये वीडियो बहुत वायरल गई थी, उसके बाद हमने वो क्लिप एडिट करके लगाई थी कि जब हमने इसको बाय कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम पाक प्लेयर्स, मेरा नाम है सुनील मंजर, पाक प्लेयर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। आज हमारे साथ स्टार एनोनिमस मौजूद है, जो लोग गेमिंग से वाकिफ हैं मेरे जैसे लोग, मैं तो खैर ना गेमर हूं ना गेम कर सकूं जिंदगी में कभी किसी किस्म की भी, तो वो इनसे जरूर वाकिफ होंगे। मुबीन मेरे साथ है, क्या हाल है मुबीन आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे यूजर्स के लिए मैं बता दूं कि यार ये जो आज का रिव्यू है ना, ये एक रिव्यू से ज्यादा मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन स्टोरी है। और कहते ना कि शायर ने कहा था सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सो मैं हमेशा बात करता था, हमारे यहाँ पे लोग अक्सर कहते होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि जी आप कहते हैं कि जी गाड़ी का शौक जो है वो सिर्फ अमीर आदमी को हो सकता है या इंसान की जेब में पैसे होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ इट कैन बी अदर वे अराउंड, आप उस पैशन को फॉलो करके उसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। और मुबीन जो है वो इसकी एग्जांपल है। अगर मैं मुबीन की, अगर आपको गाड़ियों की या व्हील्स की हिस्ट्री बताऊँ, तो मेरे ख्याल में कितने अर्से पहले आपको मोटरसाइकिल थी आपने बताया? तकरीबन 3 साल पहले। 3 साल पहले। और ना उनके वाले साहब मिनिस्टर हैं, ना उनके वाले साहब ने कोई करप्शन की है, ना वो किसी सरकारी पोस्ट पे थे, इज अ सेल्फ मेड मैन। अच्छा जी, तो आपने मोटरसाइकिल से गाड़ी का पहला सफर जो है वो कितने अर्से में तय किया? बहुत कम टाइम था, आई गेस कुछ महीने। तो फिर मैंने दिस जर्नी स्टार्टेड बैक इन 2018। हाँ जी तकरीबन। ठीक है, तो आपने बैठ के ये क्यों नहीं सोचा यार सुनील के पास तो गाड़ियाँ हैं, वो करप्शन का पैसा है, फलाने के पास गाड़ियाँ हैं, वो उसके बाप ने दी है, तो आपने रोने के बजाय काम करने की कोशिश क्यों की? बस दिल था, आपको यकीन होना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर का बेटा होना जरूरी है या अमीर होना जरूरी है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है? है, बिल्कुल है। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसका फल उसको जरूर मिलता है। ठीक है, और शौक है, आपको किसी चीज से प्यार है तो आप कर सकते हो। कोशिश करना मेरा ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट है, 50% ऑफ लोग तो वैसे ही नहीं करते, तो अगर आप कोशिश करते हैं तो आपके सक्सेस का चांस डबल तो वैसे ही हो जाता है, क्योंकि आधे तो वैसे ड्रॉप आउट करके बहाने बना के। जी जी। अच्छा जी, लेकिन आपकी गाड़ी का जो मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है ये बता दें? ये 2.7 है, 18 मॉडल है। 2.8 होगा ना? 2.81 GD के साथ आया गया, 2.8 वेरिएंट हो गया, ये जो 2017 के बाद आया था नया वाला वेरिएंट। ठीक है, अच्छा इसकी जो आपको एवरेज मिलती है 13 मिलती है। हाँ जी। और इसकी मेंटेनेंस वगैरह टोयोटा से कराते हैं? इसकी मैं शुरू से स्टार्टिंग में जब गाड़ियाँ थी तो टोयोटा जाता था, होंडा सेंटर जाता था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली लगता है वहाँ चूना बहुत लगता है। अच्छा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, है। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके, क्योंकि यहाँ पर हमारे सुल्तान का खू सदर काफ़ी ऐसी जगहें हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मैकेनिक्स बैठे हैं, ठीक है, तो उनको ढूंढा और लिंक्स निकाले थोड़े से, अच्छा मैकेनिक कहाँ मिलेगा। तकरीबन 5-6 हज़ार आप फिल्टर वगैरह। 5-6 हज़ार रुपए ऑन एवरी 5,000 किलोमीटर? मैं 3.5। तो समझ लें कि 1.5 से 2 रुपए पर किलोमीटर मेंटेनेंस कॉस्ट है, और इतना वो इशू नहीं है। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में हमेशा रहती है कि गाड़ी जब इंसान लेता है तो इंसान को, सर आपने बताया कि आपको हमेशा से शौक था ये था, तो ऑप्शन वाइज आपको डाउनग्रेड लगता है, अपग्रेड लगता है, कोई चीज़ मिस करते हैं? नहीं, मुझे लगता है गाड़ी परफेक्ट है। अच्छा, ऑप्शंस नहीं देखता मैं गाड़ी में, मतलब ऑप्शंस प्रैक्टिकलिटी ज्यादा देखते हैं। और बस ये मेन ऊपर से इसको इंजन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं, इंजन में छेड़छाड़ इसके। ठीक है, और रिम का साइज क्या चेंज किया? पहले 18 थे, ये 18 थे, अब 19 है, थोड़े से बड़े हैं। सही है, लो लो प्रोफाइल प्रोफाइल के। हाँ जी, लो ये उन्होंने काफी ज्यादा चार्ज किया था, ये एक ही बार मैंने सारा सामान लिया था। अच्छा, तो टोटल बिल बना था तकरीबन अंदाजन कितना? 4 से 5 के बीच में मेरा काम हुआ, 4 से 5 लाख, जिसमें रिम टायर भी शामिल है। जी, रिम टायर तो ठीक है, रिम टायर सबसे महंगे है, 2.5-3 लाख रुपए के तो रिम टायर ही है। हाँ जी, हाँ जी। और सस्पेंशन में कोई चेंज नहीं किया? नहीं, बिल्कुल उसमें। इसके जो ये बम्पर लगाए हैं, इनसे वेट ऐड हुआ है, आपको कोई फील तो नहीं होगा इसके नोज डाउन करती है? नहीं, बल्कि इससे मैंने लगाने ये थे पहले सोच रखा था, रेवो लेने से पहले सोचा हुआ था कि ये लगाने, क्योंकि आगे से लगे या पीछे से लगे, टैंक लुक दी हुई है अपने कि कोई आगे लग जाए तो लग जाए। आपने जैसे ये भी फील किया होगा इन दिस जर्नी कि पाकिस्तान की जो ट्रैफिक है उसमें, अब तो आपको चलाते हुए 3-4 साल हो गए, और मैं आप बता रहे थे कि आप ट्रैवलिंग ज्यादा करते रहे, तो अगर ईयर्स में देखा जाए तो आप मेरा ख्याल नए ड्राइवर होंगे, लेकिन माइलेज वाइज तो काफी कर लिया बहुत ज्यादा। आप अपने आप को पक्का ड्राइवर समझते हैं? अगर मुझसे पुराना कोई आप बैठे तो मैं पक्का ड्राइवर नहीं हूँ, मैं जूनियर हूँ, लेकिन हाँ वैसे मुझे लगता है कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। अच्छा, वैसे इतनी गाड़ियों की जर्नी में खुदा ना खासा कभी एक्सीडेंट? मौक नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी गाड़ी हिट नहीं की, क्योंकि ये ड्राइवर के ऊपर होता है, अगर आप एंड मोमेंट पे पैनिक कर गए तो आप
नहीं भी लग रहे आप लोगों के, आप गाड़ी मार दोगे, आपको पैनिक नहीं करना होता। ऐसे बहुत टाइम आए कि मैंने क्लोज कॉल हुई और गाड़ी निकाल ली वहाँ से। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के ट्रैफिक में कोई दो तीन चार चीज़ें जो आपको लगता है कि ये इम्प्रूव होने की ज़रूरत है? असल में हम पाकिस्तानियों को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है मुझे लगता है। उसमें ये कि अगर हमारे पास, हम पैदल ना, हम बाइक वाले को बोलेंगे बाइक वाला गलत है, ठीक है, और बाइक पे आएंगे फिर रक्षे वालों को बोलेंगे, रक्षे वाले बाइक वालों को बोलते हैं, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। गाड़ी वाले भी मोटरसाइकिल वाले को बोलेंगे, मैं मोटरसाइकिल पे जाऊंगा हरकत में भी सेम करूंगा, पर जब मैं गाड़ी में आऊंगा मोटरसाइकिल पे बोलूंगा। अबे क्या करते हैं, अपने आप को ठीक नहीं करते। मैंने अगर यहाँ से जाना है, मैं यहाँ से उल्टा चला जाऊंगा यार, इतना ही है, वैसे मैं तकरीर करता रहूंगा, ये है, मैंने यहाँ पे रुक के सौदा लेना होगा, मैं सड़क के सेंटर ब्रेक लगा दूंगा, दूसरा कोई जा रहा होगा यार साइड पे बिल्कुल। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें, मेरा ख्याल है, हर बंदे को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है बजाय इसके हम दूसरे को बोले। हाँ जी, सो ये एक बड़ी अच्छी आपने एडवाइस दे दी। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा कोई चीज मिस नहीं करते, अब अगली चीज कोई विश लिस्ट में शामिल है कि इसी गाड़ी में कोई चेंज करना है, कोई और गाड़ी लेनी? अभी तो मेरा दिल है कि मैं उसको लॉन्ग टर्म लेके चलूं, और अगर आगे जाके मैं लूंगा भी तो रोको पे स्विच करूंगा, ये उससे आगे अगर कोई 4x4 आता है ठीक है, तो फिर डाले पर ही जाना है फ्यूचर में भी। अच्छा, डाला जो है आपने कहा डाला ही डाला, डाला इस पर मैंने, लोग कहते थे मैं होंडा ही लेसा, आपने कहा मैं डाला ही लेसा। अच्छा, गुड गुड गुड। अच्छा जी, ये तो आपने कहा डाला ही लेसा, लेकिन हर बंदे की एक ड्रीम कार होती है, एक जमाने में आपने कहा डाला ड्रीम था। हाँ जी। अब इंसान के गोल भी ऊपर जाते रहते हैं, फिर टाइम एस्पिरेशन ऊपर जाती रहती है, सो अब कोई ड्रीम कार है कि यार अब ये लेनी है इंशाल्लाह? सुनील भाई, इंसान का पेट ना कभी नहीं भरता। आप बाइक से आओगे, गाड़ी का शौक गाड़ी से फिर ऊपर 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 चलता रहता है। मेरी ये ड्रीम कार थी, पर अब यहाँ आया हूँ ना, तो अब मुझे लगता है कि मुझे पुरानी सुपरा लेनी चाहिए। सुपरा यार, ताहा भाई ने ना सारी दुनिया को सुपरा पे लगा दिया, बहुत एक्सट्रीम लेवल है, प्यार है सुपरा। अच्छा, यानी ड्रीम कार आपकी मेरी करीब करीब ही चल रही है। बिल्कुल, ठीक है जी, अल्लाह में इंशाल्लाह आपको भी दे, मुझे भी दे, दोनों जिसको दे दे दूसरा उसको शेयर करें, और अगला रिव्यू फिर उसमें बनाएंगे। आमीन। सो आपका जो सफर शुरू हुआ 2018 में, पहली गाड़ी कौन सी ली थी? पहली सिटी थी, होंडा सिटी 18 मॉडल थी, होंडा सिटी, ठीक है। और उससे पहले आपको गाड़ी चलानी नहीं आती थी? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आती। तो ऑटोमेटिकली मैनुअली थी? वो मैनुअल थी। अच्छा, तो कैसे सीखी? और वो उसकी भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है उसमें भाई। मैंने ना कुछ दिन ड्राइविंग क्लासेस ली, लेकिन वो मेहरान पर सिखाते थे, सही है, और सही से सिखाते भी नहीं थे, ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी आती थी चलाना, सही है। फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, वो मैं उसका डन हो गया था, सही है। फिर लाहौर गाड़ी लेने गए, लाइसेंस मिल चुका था, लेकिन कभी चलाई नहीं थी ज़्यादा, अपनी नहीं थी चीज़, जब तक अपनी ना हो हाथ नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो मैं लाहौर से वापस लेके आया था गाड़ी, अपनी गाड़ी चला, अपनी गाड़ी। और पहली ड्राइव यानी आपने मोटरवे पे की? मोटरवे की 5-6 घंटे की ड्राइव की, तो उसके बाद से मतलब वो एक सफर था, एक फैसला था मेरा, मैं ड्राइवर बन गया उसके बाद। सही है। वैसे ये रूट मैं आपको बता दूं गलत है, मैंने भी पहले हमेशा बात करता हूँ कि बाइक चलानी है उसा पे सीखी थी, इन्होंने गाड़ी चलानी मोटर पे सीखी, इसको नहीं फॉलो करना, बाकी चीज़ें फॉलो करें। अच्छा, फिर कितने अरसा रखी सिटी? सिटी मैंने तकरीबन 1 साल के आसपास रखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं वाइट सिविक पे गया था, ठीक है, सिविक एक्स थी, 18 मॉडल थी वो भी, ठीक है। तो वो कुछ अरसा चलाई, वो जब मेरे पास सिविक थी ना, तब मैं पार्क व्हील्स को, आपको, और मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह बहुत देखना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर मैंने मॉडिफाइड करवाई थी, और मैंने पहली मॉडिफिकेशन पे मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, ओवर प्राइस। मैंने बॉडी किट्स लगवा ली थी, रिम टायर और अंदर से लाइटें बाहर से, उसको बहुत ओवर कर दिया था, ठीक है। मतलब आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ अच्छी लगेगी क्या नहीं, शौक था बस। बट ये कि इंसान, मैं हमेशा कहता हूँ जर्नी में साथ साथ सीखता जाता है, तो आपको कई लोगों ने धूप भी लगाई होगी, आपको लगा होगा यार बाहर, उन्होंने कहा कि नया नया बच्चा है, जो खर्ची जा रहा है, जो जो पढ़ा है पा दो। हाँ जी, हाँ जी। और बाद में फिर आप आज इंसान बैठ के पीछे रिफ्लेक्ट करता है कि यार मैंने क्या हरकत की थी, मैंने 96 में गाड़ी ली थी, मैंने उस पर स्पॉयलर लगाया था, मैं सोचता हूँ कि उसके ऊपर तो कपड़े भी सूख सकते थे, इतना बड़ा स्पॉयलर था, बट ये पार्ट ऑफ द जर्नी होता है। अच्छा जी, सिविक एक्स कितने साल रखी वो भी? तकरीबन। फिर अगली उसके बाद मैं ओशान आई थी, नई नई ओशान ली। अच्छा, और ओशान X7? X7, वो 7-सीटर थी, ठीक है। और ओशान बहुत मजे की गाड़ी थी, फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसका मसला ये था कि जब मैंने उसको चलाया तो वो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती थी जी, जी। तो मुझे लगता था गाड़ी बहुत हल्की है, काम प्रिय, ग्रिप नहीं उसकी फील होती थी, थोड़ी सी सरसराहट सी फील होती थी, ठीक है। तो डर लगा रहता था कि ओशान कहीं लग गई तो मतलब काम हो जाएगा, नई नई गाड़ी है, पार्ट्स नहीं मिलेंगे और नई गाड़ी है बिल्कुल। तो वो आपने चंद महीने रखी? वो मैंने चंद महीने रख कर सेल कर दी, उसने नुकसान तो नहीं दिया, ठीक है, लेकिन ये कि फ़ायदा भी नहीं दिया क्योंकि मैंने उसको सेल किया। उसके बाद मैंने मार्केक्स ली, वो 2.5G 3 लीटर 2.5G। अच्छा, मार्केक्स मेरा ख्याल है ये सारे यूट्यूबर्स के लिए ज़रूरी होती है। हाँ जी,
वो मैंने किया था उनका बाबा, उसके पास भी है, फिर बीबीन के पास भी है, बीबीन भाई मैंने भी रखी थी वैसे, सबसे मुझे याद है मैंने पिछले दिनों जब रख के बेचने लगा था उसके बाद एकदम मैंने देखा ट्रेंड शुरू हो गया, मैंने कहा टाइम पे मार्केट्स बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा मेरे पास थी तो बाबा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जब मैंने ली ना बाबा ने चलाई, उस टाइम बाबा ने ले ली थी मर्सिडीज थी, ठीक है, तो जब उसने मार्केट्स चलाई उसने मर्सिडीज फॉरन सेल करके मार्केट्स ली, इतने मजे की गाड़ी है, ट्रू वैल्यू टू मनी। और V6 इंजन आपके पास 2.5 है ना? जी जी 2.5, तो वो भी बेहतरीन है, रियर व्हील ड्राइव है, अखीर पावर उस गाड़ी में, और अभी भी आपके पास है? अभी भी मेरे पास। अच्छा तो फिर उसके बाद आपने ये डालाओं के वजीरे आला जो है, मतलब डाले आला मैं इसको कहता हूँ, रेवो लेने का फैसला कैसे किया? सुनील भाई गाड़ी ऐसी ऐसी गाड़ी का दिल था, मार्केट से ना वो हर जगह नहीं जा सकती, वो मेरे गांव में नहीं जा सकती, नीचे बहुत ज्यादा लगेगी वो, और जब गाड़ी लगती है तो आपको एक अलग ही दर्द होता है बहुत ज्यादा। सही है, तो हमने फिर रेवो का फैसला किया क्योंकि ये बचपन से मेरा एक शौक था। सही है, मूवीज में देखना, ड्रामों में देखना, ठीक है, पाकिस्तान में तो वैसे ब्लैक रेवो जो है मेरा ख्याल है एक सिंबल है, एक सिंबल है ये ब्लैक रेवो जो है, उसको देने वो और आ गया। मैं सिंध से हूँ सुनील भाई, तो वहाँ पर तो वडेरों के पास, वडेरे का बेटा है, हाँ सही है, ब्लैक रेवो वहाँ की तो पहचान है, ठीक है, तो एक शौक तो हमेशा से शौक था, ये तो ड्रीम था। लेकिन मैंने ना, अच्छा ये एक वीडियो बहुत वायरल हुई है मेरी सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे भी, उसमें मेरा दोस्त मुझसे कहता है, वो कराची से, वो भी कंटेंट क्रिएटर है, उसने मुझे बोला, साजिद नाम है जुलमी, उसने कहा भाई कि मुबीन भाई ये तो आपका प्यार है, मैंने कहा था ये मेरा प्यार है लेकिन औकात से बाहर है, क्योंकि वो मुझे लग नहीं पाता, लगता नहीं था कि मैं रेवो ले पाऊंगा, पर ये वीडियो बहुत वायरल गई थी, उसके बाद हमने वो क्लिप एडिट करके लगाई थी कि जब हमने इसको बाय कर लिया था। अच्छा हाँ, नहीं वैसे इंसान की जिंदगी में मैं हमेशा ही कहता हूँ कई ऐसी चीज़ें इंसान को अल्लाह में नवाजता है जो कभी इंसान सोच नहीं सकता कि मैं ये अचीव करूँगा, बट अगर आप मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंटली करते रहें, तो मिल जाती हैं ऐसे, और अगर ना भी मिले तो आज नहीं कल नहीं, मतलब वो लोग कहते हैं ना कि देर है देर नहीं है अल्लाह की तरफ, तो उसमें आपकी कोई मसलहत होती है। अच्छा ये बताइएगा, जब आपने ये रेवो लेनी थी तो आपने यूज ली कि नहीं ली? ये यूज लिया, यूज ली, और क्लियरली यू न्यू कि मैंने रेवो ही लेनी है, मतलब सुजु डी मैक्स अवेलेबल था या और चीज़ें भी इस ट्रक कैटेगरी में इस प्राइस में आ जाती थी, तो आपको बड़ा क्लियर पता मैंने रेवो लेनी, बिल्कुल क्लियर था रेवो लेना, और कलर ब्लैक, ब्लैक। अच्छा अभी आप इसको हाईवे वगैरह पे भी लेके जाते हैं, दो तीन चीज़ें जो है हमारे इसमें, यानी हमने भी कई दफ़ा रिव्यू किया, आप कितने लोग ज़्यादा इसमें ट्रैवल करते हैं, दो शोज भी ज़्यादा? सब दोस्त वगैरह इसमें साथ जाते हैं, और जब मैंने रेवो लिया था उससे पहले मुझे इतनी बातें सुनने को मिल रही थी, अनकंफर्टेबल है, किसी किसी ने तो मुझे बोला था कहीं चार पाँच की एवरेज देता है, इतनी कहानियाँ सुनी थी भाई ये मत लो मत लो। उसके बाद मैंने देखे, अच्छा उसके बाद मैंने रिव्यूज देखा, थोड़ा सा रिसर्च किया, और मुझे पता चला यकीन सुन लो मैं इस पर 13+ एवरेज में निकाल लिया, बड़े आराम से आती है, निकल जाती है, आराम से चलाएं हाईवे पे तो 13 भी देगी, हाँ जी कंफर्ट, अगली दो सीटों की तो कमाल है, बैक पे थोड़ी सी होता है कि उसकी, क्योंकि अगेन उसकी शेप ऐसी है पिकअप ट्रक के, वो ज्यादा इतनी वो कंफर्टेबल नहीं, बट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगी पिछले वालों से। हाँ जी। अच्छा आपने मुबीन पार्क से कोई सर्विस यूज किया है या आपने कभी इस्तेमाल किया? बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली गाड़ी बाइक थी अपनी फैमिली के लिए, वो बीच में मैंने ऐड नहीं की, वो है न्यू ऑल्टो जो है, सही है, वो है 2021 मॉडल, ठीक है, जो मैंने इंस्पेक्शन भी पार्कविल से करवाई थी और बाय भी पार्कविल से की थी। तो इंस्पेक्शन जब करवाई थी तो आपको जो रिपोर्ट मिली थी वाज इट एक्सप्लेनेटरी? बिल्कुल करेक्ट थी वो, लोग कहते हैं बहुत ज्यादा गलतियां निकालते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सही रिपोर्ट थी, और भाई ने बहुत अच्छे से कॉल करके गाइड किया, फिर जो उसमें जिनसे मैंने बाय की थी वो एक पॉइंट कम था, मैंने उनसे पूछा ये पॉइंट रिपोर्ट में कम किस लिए गाड़ी का, तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया इसमें यहाँ पे ये फॉल्ट है यहाँ पे फॉल्ट है सारा बताया। हाँ जी। अच्छा मैं भी हमेशा कहता हूँ कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको दो तीन तरीकों से हेल्प करती है, एक तो आपको पता लगता है आप जो ले रहे हैं वो कैसी है, और फिर चीजें पॉइंट आउट होते हैं कि ये चीजें इंप्रूव करनी है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अगर यूजर आप भी पार्कविल इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करना चाहते हैं तो iOS एंड्रॉइड के ऊपर हमारी ऐप पे भी कॉल कर सकते हैं, या 1119433357 पे कॉल करके भी इंस्पेक्शन सर्विस कॉल कर सकते हैं। इंस्पेक्शन सर्विस आपको तकरीबन 200+ पॉइंट के ऊपर गाड़ी की कंप्लीट जो है रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। सो व्यूअर ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। Only on Pop Beat.